आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के पास जेईई मेंस के 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कर रहा है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का अपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने ये फंक्शन देख लीजिए कि ये फंक्शन आपने इस तरीके के दे रखा है और अपने एक्स क्या कर रहा है माइनस वन से लेकर वन तक इसका डोमेन एक तरह से दे रखा है। अब अपने क्या कर रहा है, ये जो अपने फंक्शन है, फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इनवर्स तो चेक करना पड़ेगा ना कि इनवर्स अपने एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखिए इनवर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अपने चारों ऑप्शन में कहीं पर पॉसिबल यहाँ पर दे नहीं रखा है कि इसकी इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर एक ही भी ऑप्शन में दे रखा होता कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो आप इनके पास चेक करना पड़ता कि ये 1-1 है या अपनी 1-1 और ये ऑन 2 है, यानी बाइजेक्टिव चेक करना पड़ता है। अगर बाइजेक्टिव है, कोई फंक्शन इनवर्टेबल कब होता है, अगर वो बाइजेक्टिव होता है तो, अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो अपने के पास इनवर्टेबल है। अगर वो बाइजेक्टिव है तो आपने कहा इन्वर्टिबल है, अगर बाइजेक्टिव नहीं रहेगा तो इन्वर्टेबल नहीं रहेगा। खैर ये बाइजेक्टिव है, तो यहां से आपने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 8 की पावर 2x और माइनस टाइम्स 8 की पावर -2x और अपॉन में आपने कहा दे रखा है 8 की पावर 2x और प्लस टाइम्स 8 की पावर -2x के बराबर। इस फंक्शन को सबसे पहले अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से लिखने का मतलब कि सॉल्व करके लिख लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स आपने कहा किसके बराबर जाएंगे, तो 8 की पावर 2x और माइनस टाइम्स 8 की पावर आपने क्या कीजिए 1/8 की पावर 2x इसको कर दीजिए, कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में आपने क्या आ जाएगा 8 की पावर 2x और प्लस टाइम्स 1/8 की पावर 2x। किसी चीज का भी आपने क्या निगेटिव दे रखा हो तो उसका आपने क्या अपॉन में लिख सकते हैं। तो यहां से आपने क्या एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो 8 की पावर 2x आपने क्या नहीं, ये आपने क्या एलसीएम लीजिएगा तो ये आपने क्या 4x हो जाएंगे और -1 और डिनोमिनेटर में आपने क्या किसके बराबर जाएगा 8 की पावर 4x और +1 के बराबर। अब क्या ये जो एलसीएम गया कहाँ, तो ऊपर से एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आपने क्या 8 की पावर 2x आ जाएगा और इस डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 8 की पावर 2x आ जाएगा। तो एक तरीके से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, अभी मत कर दीजिएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये आपने क्या इसके बराबर हो गया। अब आपने क्या ये फंक्शन आ गया, फंक्शन आपने क्या आ गया तो आपने क्या इसको इनवर्स निकालने का कंडीशन क्या होता था कि एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर मानिए, तो वाई इक्वल टू आपने किस आ जाएगा 8 की पावर 4x - 1 और अपॉन में आपने 8 की पावर 4x + 1 के बराबर। अब देखिए जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, यानी एक्स को वाई से रिप्लेस कर दीजिए या वाई को एक्स से। तो एक्स वाई आपने कहा यहां पर है तो इसको एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और ये आपने कहा एक्स इधर है तो उसको वाई से रिप्लेस कर दीजिए। तो 8 × 4y और -1 और अपॉन में आपने कहा आएगा 8 × 4y और +1 के बराबर। इनको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर लीजिए। अपन क्या कीजिए x के लिए सॉल्व कीजिए, x के लिए सॉल्व करेंगे तो अपन क्या किस बराबर आएगा, सॉरी y के लिए, तो x × 8 की पावर 4y और +1 के बराबर और इक्वल टू आगे अपने 8 की पावर 4y और -1 के बराबर। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया अपने 8 की पावर 4y × x के बराबर और +x के बराबर इक्वल टू आगे अपने 8 की पावर 4y - 1 के बराबर। अब क्या कीजिए 8 की पावर 4y एक तरफ ले आइए तो × x के बराबर और यह आ गया -10 8 की पावर 4y = -1 और x इधर जाएगा तो -x हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर यहाँ से गौर से देखेंगे तो 8 की पावर 4y कॉमन आ रहा है, कॉमन आ जाएंगे तो अपने x -1 इधर बन जाएंगे इक्वल टू आ गया -1 और -x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने आ जाएंगे 8 की पावर 4y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से तो 1 + x के बराबर ये तो हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में अपने x -1 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने एक्चुअल में 8 की पावर 4y अपने किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इसको क्या कीजिए इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने किसके बराबर आ जाएगा 1 + x और अपॉन में 1 - x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए ये अपने के पास इसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया 8 की पावर 4y के बराबर और ये अपने के पास इसके बराबर है। अब अपने के पास 8 हटाने हैं तो अपने पास दोनों तरफ क्या कीजिए लॉग ले लीजिए, क्या लीजिए लॉग ले लीजिए, लॉग विद बेस 8 बेस लीजिएगा तभी आपने क्या सी हटेगा, अगर ई बेस ले लेते तो हटेंगे नहीं। तो दोनों तरफ लॉग बेस 8 लेते हैं तो ये अपने 8 की पावर 4y हो जाएंगे और इक्वल टू लॉग 8 और यहां से अपने क्या आ जाएंगे 1 + x और अपॉन में 1 - x के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो आपने क्या ये नंबर की पावर में ही है, यानी ये आ गया आपने किसके बराबर 4y और इनटू में आपने क्या लॉग 8 × 8 और नंबर में भी 8 और ये आ गया आपने क्या लॉग 8 और ये आ गया आपने क्या 1 + x और अपॉन में 1 - x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको गौर से देखिए, सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखिए तो ये आपने के पास 1 लिखा हुआ है, नंबर और बेस सेम, यानी ये आपने के पास 1 के बराबर, यानी आपने के पास इनडायरेक्टली लिखा क्या हुआ है कि 4y इक्वल टू
लॉग एट और इंटू में आपने क्या आएगा, वन प्लस एक्स और अपॉन में वन माइनस एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से वाई इक्वल टू आपने क्या आ जाएगा, वन बाई फोर और इंटू लॉग एट और ऊपर से आ गया वन प्लस एक्स और अपॉन में वन माइनस एक्स के बराबर, ये आ गया अपने के पास। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से अपने पास ये ब्रैकेट डाल दीजिए, अब यही अपने पास एफ इनवर्स हो जाएंगे। तो यहीं से अपने पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अब वाई को क्या कीजिए, एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो एफ इनवर्स ये अपने पास वन हो जाएंगे और अपॉन फोर और इंटू लॉग एट और इंटू में अपने पास आ जाएंगे वन प्लस एक्स और अपॉन में वन माइनस एक्स के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में दे रखा है, तो यहां से अपने पास देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो यहां पे देखिए अपने पास बेस एट दे रखा है, यानी अपने पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि बेस में अपने पास ई दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये इस दोनों में, अच्छा दोनों तरफ लॉग दो बार लॉग दे रखा है, दो बार लॉग दे रखा है, तो अपने पास कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, दो बार लॉग दे रखा है अपने पास, ऊपर नॉमिनेटर में आ गया वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, तो ये तो अपने पास ऐसे भी नहीं होने वाले क्योंकि नॉमिनेटर में अगर आप नीचे देखिएगा तो नॉमिनेटर में अपने पास क्या दे रखा है, वन प्लस एक्स और अपॉन में वन माइनस एक्स आया, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स के बराबर, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में भी अपने पास दो लॉग दे रखा है, तो कैसे इसको सॉल्व करें हम अभी बताते हैं। तो लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, लॉग यहाँ से अपने पास एट बेस ई दे रखा है, बेस अपने पास इसके इसको क्या कीजिए एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे लिख सकते हैं लॉग एट और ई बेस इसको आपने ऊपर मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं लॉग टी और ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो एक्स के बराबर। ठीक है, अब इस टी टी से कैंसिल आउट हो गया तो ये अपने पास यही हो गया, तो यहां से ई और इसे को कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये अपने पास इनडायरेक्टली वही लिखा हुआ जो अपने के पास रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन से आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन से आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था हमारे पास 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो बस नए स्टूडियो में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नए स्टूडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।